हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पॉइंटर्स एंड मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो देखिए, पॉइंटर्स और मल्टी डायमेंशनल एरे की जहाँ तक हम लोग बात करेंगे, तो फर्स्ट वी राइट पॉइंटर्स एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि सिंस वन डायमेंशनल एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ए पॉइंटर एंड एन ऑफसेट। ठीक है, यानी कोई भी वन डायमेंशनल एरे है तो उसको हम पॉइंटर से, यानी एरे के नेम से और एक ऑफसेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट ए मल्टी डायमेंशनल एरे कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड विद एन इक्विवेलेंट पॉइंटर नोटेशन। ठीक है, तो जैसे हम सिंगल डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम टू डायमेंशनल एरे को भी या मल्टी डायमेंशनल एरे को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको मालूम है कि टू डायमेंशनल एरे क्या होता है। टू डायमेंशनल एरे एक तरह से कलेक्शन होता है। इट इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। सो देयर फोर वी कैन डिफाइन ए टू डायमेंशनल एरे एज ए पॉइंटर टू ए ग्रुप ऑफ कंटिजुअस वन डायमेंशनल एरे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन टू डायमेंशनल एरे को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो हम उसको इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप। ये हमने लिखा डेटा टाइप। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लिखेंगे। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा पॉइंटर, पॉइंटर वेरिएबल लिख दिया हमने इस तरह। और उसके बाद हम यहाँ पे जो भी एरे का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ हमने मान लीजिए लिख दिया एक्सप्रेशन टू। इस तरह से हम टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप मान लीजिए आप कहें कि सर टू डायमेंशनल एरे तो हम लोग इस तरह डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने कहा ए और 5 रो और हमने कहा से मान लीजिए 10 कॉलम इस तरह। तो अगर इस हिसाब से हम बात करें तो हमको ये इस तरह डिक्लेयर करना चाहिए डाटा टाइप। फिर हमने यहाँ पे कहा कि एरे, ये एरे का नाम आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन वन दे दिया, एक्सप्रेशन वन। और फिर हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन टू। तो इस हिसाब से तो हमें इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए टू डायमेंशनल एरे को, लेकिन इस तरह नहीं करते हैं। जब हम पॉइंटर का यूज करते हैं तो टू डायमेंशनल एरे को हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। अब केवल देखिए, ये तो केवल टू डायमेंशनल एरे के लिए है। इसी इसी कॉन्सेप्ट को हम जर्नलाइज कर सकते हैं और हायर डायमेंशनल एरे के लिए भी। जैसे मान लीजिए हमारे पास, सपोज कीजिए एन डायमेंशनल एरे है, लेट एन डायमेंशनल एरे है हमारे पास। ठीक है, तो जो एन डायमेंशनल एरे है उसको जब हम डिक्लेयर करेंगे तो वो भी इसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डेटा टाइप। ठीक, उसके बाद डेटा टाइप के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंटर वेरिएबल। तो ये हमने लिख दिया, पॉइंटर वेरिएबल आ गया हमारा ये। और उसके बाद एक्सप्रेशन टू थ्री से लेकर एन तक। तो पॉइंटर वेरिएबल लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे एक्सप्रेशन टू, फिर आपने लिखा एक्सप्रेशन थ्री। ठीक है, और फिर ऐसे हम लिखते लिखते यहां पे हम लिखेंगे एक्सप्रेशन एन। तो जो भी मल्टी डायमेंशनल एरे है उसको आप इसी जनरल फॉर्मेट से, इस तरह से, या टू डायमेंशनल है तो इस तरह से आप इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या है कि इस तरह के डिक्लेरेशन में जो एक चीज आपको ध्यान देने वाली है कि इन दिस डिक्लेरेशन डाटा टाइप रिफर टू द डाटा टाइप ऑफ द एरे। तो ये आपको मालूम है कि ये एरे का डाटा टाइप बताएगा, ये जो है ये पॉइंटर वेरिएबल बताएगा। पॉइंटर वेरिएबल इज द नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल, एरे इज द करस्पॉन्डिंग एरे नेम। ठीक है, अच्छा, इसमें एरे जो है आपका वो करस्पॉन्डिंग एरे नेम बताएगा। और एक्सप्रेशन वन टू अप टू एन जो है, दे आर पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर एक्सप्रेशन
दैट इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद ईच सबस्क्रिप्ट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स बताएगा जो ईच सबस्क्रिप्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि देखिए इसमें जो पैरेंथेसिस है, ठीक है, कि द पैरेंथेसिस दैट सराउंड द एरे नेम एंड द प्रीसीडिंग एस्टेरिस्क इन द पॉइंटर वर्जन ऑफ ईच डिक्लेरेशन दिस पैरेंथेसिस मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो पैरेंथेसिस है ये, ठीक है, ये जो है जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। विदाउट देम वी वुड बी डिफाइनिंग एन एरे ऑफ पॉइंटर्स रादर देन ए पॉइंटर टू ए ग्रुप ऑफ एरे। अगर आप ये नहीं लगाओगे पैरेंथेसिस तो ये हो जाएगा कि आप पॉइंटर्स की एरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ एरे के पॉइंटर को। तो इसलिए ये जो पैरेंथेसिस है इनका लगाना मस्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए इस चीज को हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएं। तो सपोज कीजिए से यहां पे मान लीजिए हमने कहा एग्जांपल, ठीक। अब इसमें क्या है कि हमने कहा कि मान लीजिए एक्स कोई टू डायमेंशनल इंटीजर एरे है हैविंग 10 रोज एंड 20 कॉलम, यानी कि हमने कहा एक्स कोई हमारी टू डायमेंशनल एरे है जिसमें 10 रो है और 20 कॉलम है, ठीक। तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटीजर, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ये पॉइंटर वेरिएबल ऐसे एक्स, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सप्रेशन टू मतलब कॉलम वाला 20 इस तरह, ठीक है। नॉर्मली हम लोग की आदत क्या है कि हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि इंटीजर एक्स 10 रो और 20 कॉलम, ठीक है, इस तरह डिफाइन करते हैं। लेकिन जब हम पॉइंटर का यूज कर रहे हैं तो इस तरह की बजाय हम ये डिक्लेरेशन यूज करेंगे। अब इसमें क्या होगा इस डिक्लेरेशन में कि एक्स इज डिफाइंड टू बी ए पॉइंटर टू ए ग्रुप ऑफ कॉन्टिजुअस वन डायमेंशनल 20 एलिमेंट्स इंटीजर एरे। तो इसमें क्या है, इसमें इस डिक्लेरेशन में एक्स क्या दिखा रहा है, एक्स एक 20 एलिमेंट्स की 20 इंटीजर एलिमेंट्स की कॉन्टिजुअस वन डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस एक्स पॉइंट्स टू द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एरे विच इज एक्चुअली द फर्स्ट रो यानी रो जीरो ऑफ द ओरिजिनल टू डायमेंशनल एरे। सिमिलरली एक्स प्लस वन पॉइंट्स टू द सेकेंड 20, यानी कि एक्स ये दिखाएगा, फिर ऐसे ही एक्स प्लस वन अगली रो दिखाएगा 20 एलिमेंट की 1, 2, up to 20, ठीक है। फिर ऐसे ही करते हुए मान लीजिए हमने कहा एक्स प्लस नाइन, तो ये भी 20 एलिमेंट्स को दिखाएगा एक रो को, ये हो गया 1, 2, ये हो गया आपका 20 इस तरह से। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। ये फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे हो गया, ये सेकेंड वन डायमेंशनल एरे हो गया, ये 10th वन डायमेंशनल एरे हो गया, एंड सो ऑन, क्लियर। तो इस तरह से आप टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए हमने कहा सपोज कीजिए कि लेट 3 डायमेंशनल एरे, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमने कहा से लेट 3 डायमेंशनल एरे, इसका नाम है टी। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप नॉर्मली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए फ्लोट टाइप एलिमेंट है इसमें, तो हम लिखेंगे फ्लोट, एरे का नाम लिखेंगे टी, और इसमें हम लिख देंगे कि साहब 10 और 20 और 30, ये 3 डायमेंशन हो गए, ठीक। लेकिन जब हम पॉइंटर का यूज करेंगे तो पॉइंटर के यूज में हम इसको डिक्लेयर करेंगे इस तरह फ्लोट, फिर यहाँ हमने दिया पॉइंटर टी, फिर हमने यहाँ पे दे दिया 20 और 30। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक टी 20x30 की टेबल को शो करेगा। तो इन दिस डिक्लेरेशन टी इज डिफाइंड एज ए पॉइंटर टू ए ग्रुप ऑफ कंटिजुअस टू डायमेंशनल 20x30 फ्लोटिंग पॉइंट एरे।
हेंस टी पॉइंट्स टू द फर्स्ट 20 to 30 एरे, देन टी प्लस वन पॉइंट्स। वही चीज है कि इसमें भी जैसे यहां पे आपको बताया था टी क्या करेगा, टी एक 20 बाई 30 की, 20 बाई 30 की एरे को रिप्रेजेंट करेगा। फिर टी प्लस वन करे क्या करेगा, ये भी एक 20 बाई 30 की एरे को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप पॉइंटर की मदद से उसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि कोई भी जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, ठीक है, एन इंडिविजुअल एरे एलिमेंट विद इन ए मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी एक्सेस्ड बाई द रिपीटेड यूज ऑफ द इनडायरेक्शन ऑपरेटर। यूजली हाउवेयर दिस प्रोसीजर इज मोर ऑकवर्ड देन द कन्वेंशनल मेथड फॉर एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि एन इंडिविजुअल एरे एलिमेंट विद ए मल्टी डायमेंशनल एरे, विद इन ए मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी एक्सेस्ड बाई द रिपीटेड यूज ऑफ द इनडायरेक्शन ऑपरेटर। मतलब किसी भी मल्टी डायमेंशनल एरे से आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो आपको इनडायरेक्शन ऑपरेटर का रिपीटेड यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक एग्जाम्पल से आपको और क्लियरली समझा देंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।